जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले रियलमी ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था रियलमी 3। उसमें उसने काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए थे, जैसे कि हीलियो का P70 प्रोसेसर दिया था और बैटरी भी 4230 mAh की दे दी थी, जो कि मतलब काफ़ी कम रेट में हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दे दिए थे। तो आपको पता है कि रियलमी भी अपने मतलब फ़ोन्स को काफ़ी सही सही प्राइस पे लॉन्च करके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह उसी लॉन्च में कंपनी ने दावा किया था कि वो रियलमी 3 प्रो को भी जल्दी लेके आने वाले हैं, जो कि अप्रैल की स्टार्टिंग में हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रियलमी 3 प्रो में आपको कैसे फीचर्स मिलेंगे, क्या वो सच में रेडमी नोट 7 प्रो का मुकाबला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उसके डिस्प्ले की, तो रियलमी 3 प्रो में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलेगी और उसमें आपको जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 1080x2340 pixel का मिलेगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जो कि आपको कंबाइंड मिल सकता है कलर ओएस 6 के साथ। तो चलिए अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें, जाने की इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाएगा जिसकी जो क्लॉक स्पीड होगी जो 2 GHz की होगी। और उसमें अगर हम कहें तो आपको साथ में स्नैपड्रैगन 710 मिल जाएगा, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी बात है। 710 भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, हालांकि वो स्नैपड्रैगन 675 जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर वो तो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो चलिए अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें, तो र्यूमर्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी मिल सकती है, जो कि मतलब काफ़ी पावरफुल होने वाली है और जो रेडमी नोट 7 प्रो से तो ज़्यादा ही होने वाली है। तो अगर हम इसमें बात करें कैमराज की, जैसा कि लॉन्च में रियलमी के CEO ने कहा था कि हम कैमराज के मामले में नंबर्स पे विश्वास नहीं करते, हम परफॉर्मेंस पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही र्यूमर सजेस्ट कर रही है कि इसमें हमें रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से एक कैमरा 16 MP का होगा और दूसरा कैमरा 5 MP का हो सकता है। तो यार मतलब ये काफ़ी लो हो गया है रेडमी नोट 7 प्रो के सामने, पर डिपेंड करता है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन से और जो उनके कैमरा इमेज प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है उस पर डिपेंड करता है। पर यार लोग तो नंबर के पीछे ही भागते हैं, परफॉर्मेंस के पीछे काफ़ी कम लोग भागते हैं। और बाकी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो में भी काफ़ी अच्छा कैमरा सेंसर यूज़ हुआ है, तो मतलब उसको कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल बात है एक 16 MP कैमरा के लिए। तो यार अगर हम बात करें इसमें रैम वेरिएंट्स के बारे में, तो इसमें आपको 3 GB, 4 GB और 6 GB रैम वेरिएंट्स देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसके साथ जो रोम होगी वो आप गैस कर ही सकते हैं कि 3 GB के साथ 32 GB, 4 GB के साथ 64 GB और 6 GB के साथ 128 GB वाला मतलब वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर हम इसमें बात करें, इसमें आपको छोटे छोटे सारे सेंसर मिल जाएंगे, जो मतलब जैसे कि जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्लोरोमीटर, लाइट सेंसर वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर के लिए आपको जो डेडिकेटेड प्रोसेसर मिलेगा वो माली का G72 होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, अभी तक Realme U1 में भी वही यूज़ हुआ था। तो यार इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड के लिए सेपरेट स्लॉट मिल जाएगा, रेडमी की तरह, रेडमी नोट 7 प्रो की तरह आपको कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। इसमें आपको ड्यूल सिम के साथ एक्स्ट्रा डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के लिए स्लॉट भी मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट कर सकते हैं अप टू 256 GB तक की मेमोरी। बाकी कुछ रूमर्स सजेस्ट कर रही हैं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, तो यार ऐसी कोई न्यूज़ तो अभी तक मैंने नहीं सुनी है, मतलब रूमर्स ही सुनी है, पर ऐसा मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं होगा कि इन डिस्प्ले सेंसर देना, क्योंकि यार पहले ही कंपनी काफ़ी कुछ दे रही है और अगर वो ऐसे और भी छोटे छोटे फीचर्स ऐड करना स्टार्ट कर देगी तो फ़ोन की प्राइसिंग काफ़ी बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा मार्केट से आउट हो सकता है, मतलब बजट मार्केट से थोड़ा सा आउट आ सकता है। तो रियलमी ने हमेशा अपने प्राइजेस को काफ़ी अग्रेसिव रखा है, तो इसलिए वो प्राइस अग्रेसिव रखने के चक्कर में ज़्यादा फीचर्स ऐड करने की कोशिश नहीं करेगा, जितना उनसे बन पाएगा वो उतना ही करेगा। तो यार ये थी न्यूज़ रियलमी 3 प्रो के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।